प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन किन किन राज्य के लोगों को मिल सकता है, किन राज्य के लोगों को फ्री में सिलाई मशीन नहीं मिलेगी, आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं जो हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं देखता है, इसलिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन के लिए आवेदन हो रहे हैं। 15 अप्रैल 2024 आखिरी तारीख है। इससे पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन यानी दर्जी के लिए आवेदन करके लाभ ले सकते हैं आप सभी। और इसकी फुल डिटेलिंग वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है कई सारी, इन डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, देख लीजिएगा। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन लेने के लिए किन किन राज्य की महिलाएँ पात्र होंगी या किन राज्य की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, तो आप सभी को बता देना चाहेंगे कि बहुत लोगों के मन में ये डाउट है, तो क्लियर कर दें कि भारत के सभी राज्य की महिलाएं, पुरुष, बेटियां सभी इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं, महिलाएं भी और बेटियां भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 18 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए, 18 से 45 वर्ष के लोग लाभ ले सकते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन का, क्योंकि भारत सरकार की ये योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत की थी, लगभग 2023 में ही कर दी थी, सितंबर अक्टूबर के मध्य में ही ये योजना चालू की गई थी, लागू की गई थी। हालांकि 2024 में आवेदन हो रहे हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, किसी भी राज्य से हैं, भारत के किसी भी राज्य से हैं, लाभ ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। डिटेलिंग वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया मिल जाएगा आपको इन डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वीडियो देख लीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।